हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है उत्तक, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि विभिजयोत्तकी उत्तक किसे कहते हैं, या इसे हम वृद्धि उत्तक के नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और इसका प्रकार क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सबसे पहले विभिजयोत्तकी उत्तक। क्या लिखा है भैया? विभिजयोत्तकी उत्तक, या इसे हम वृद्धि उत्तक के नाम से जानते हैं। अब इस उत्तक में क्या मतलब, ये उत्तक कौन सा उत्तक है भैया? तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया, ऐसा उत्तक, समझिएगा, ऐसा उत्तक जो वृद्धि करने वाले भागों में, वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभिजयोत्तकी उत्तक कहते हैं। मतलब क्या, ऐसा उत्तक जो क्या करता है भैया, पेड़ पौधों के जो क्या होते हैं, वृद्धि करने वाले जो भाग होते हैं उन पे ये पाया जाता है। कौन भैया? तो वृद्धि उत्तक या विभिजयोत्तकी उत्तक पाया जाता है। तो इसका हम डेफिनेशन कर देंगे ना कि ऐसा उत्तक जो वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है, तो उसे हम विभिजयोत्तकी उत्तक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि जो पेड़ पौधे में जो भी भाग क्या होते हैं भैया, वृद्धि करने वाले होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है भैया, विभिजयोत्तकी उत्तक पाया जाता है। जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गया, ठीक है, पत्तियां हो गई, जो डालियां हो गई, ये सभी क्या है भैया, वृद्धि करने वाले क्या है, ये सभी उनके पार्ट्स है। तो इनमें ये क्या पाया जाता है, विभिजयोत्तकी उत्तक पाया जाता है। तो आशा करते हैं विभिजयोत्तकी उत्तक का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका एग्जांपल मैंने लिखा है कि तना व जड़ों के सिरों, जो क्या होता है, तना या जड़ होते हैं, उनके शीर्ष पर, शीर्ष वाले भागों में ये पाया जाता है। मतलब तना व जड़ों के शीर्ष वाले भागों में क्या पाया जाता है भैया, वृद्धि उत्तक पाया जाता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद याद रखेंगे विभिजयोत्तकी उत्तक के क्या प्रकार होते हैं, तो भैया तीन प्रकार होते हैं, परंतु किसके आधार पर, तो इनके स्थिति के आधार पर, कि कहां कहां ये होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब कौन सा है सबसे पहले, तो क्या है भैया, शीर्षक विभिजयोत्तक है, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या है भैया, तो ऐसा विभिजयोत्तकी उत्तक, ऐसा विभिजयोत्तकी उत्तक, यहाँ पे उत्तक छूट गया है, ऐसा विभिजयोत्तकी उत्तक जो तने व जड़ों के शीर्ष पर स्थित होता है। मतलब क्या भैया, तने व जड़ों के शीर्ष पर स्थित होता है, तो उसे हम शीर्षक विभिजयोत्तक कहते हैं। समझ में आया ना, कि ऐसा विभिजयोत्तकी उत्तक जो क्या होगा भैया, पेड़ पौधों के तने व जड़ों के शीर्ष के ऊपर क्या होता है, स्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, शीर्षक क्या कहते हैं, विभिजयोत्तक कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि पादपों की यह क्या करते हैं भैया, लंबाई को में वृद्धि करता है। मतलब इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करेगा, पादपों की लंबाई में वृद्धि करेगा। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी क्या करता है भैया, लंबाई को बढ़ाने में ये क्या होता है, सहायक होता है ये उत्तक, ठीक है। अगला आता है दूसरा, तो पार्श्विक क्या है भैया, विभिजयोत्तक है। तो इसका मतलब क्या, कि ऐसा विभिजयोत्तकी उत्तक, ऐसा विभिजयोत्तकी उत्तक जो क्या करेगा भैया, तने व जड़ों के परिधि पर स्थित होता है, परिधि पर स्थित होता है, जो तने व जड़ों के परिधि पर स्थित होता है, उसे हम पार्श्विक क्या कहते हैं, विभिजयोत्तक कहते हैं, ठीक है। परंतु इसका कार्य क्या होता है, तो जो तना या जड़ होता है ना, उसकी मोटाई को बढ़ाता है। जो तना हो गया, जो जड़ हो गया, पेड़ पौधों की जो तना है या जड़ है, उनके क्या करता है भैया, उनकी मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरा जो प्रकार है भैया, कि अंतिविष्ट क्या कहते हैं भैया, विभिजयोत्तक। तो ऐसा विभिजयोत्तक उत्तक, ऐसा विभिजयोत्तक की उत्तक जो क्या करता है भैया, पत्तियों तथा टहनियों के आधार के बीच में स्थित होता है। जो पत्तियों और टहनियों के आधार के बीच में स्थित होता है, जैसे अगर फिगर में बनाओ तो मान लेते हैं ये कोई पत्ती है, समझिएगा, ठीक है, और ये कोई मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई टहनी है। तो इनका देखिए, मान लेते हैं ये पत्ती है, ठीक है, और ये टहनी है। तो इनके बीच में क्या होगा भैया, जो पाया जाएगा, पत्तियों और टहनियों के बीच में जो क्या पाया जाएगा भैया, जो उत्तक पाया जाता है, उसे हम अंतविष्ट क्या कहते हैं भैया, विभिजयोत्तक कहते हैं, ठीक है। तो अंतविष्ट विभिजयोत्तक कहते हैं। और ये क्या करता है भैया, तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों और टहनियों में वृद्धि करता है। जो पत्तियां और टहनियां होती हैं, इनमें क्या करता है भैया, वृद्धि करता है। तो ये हमने सभी का डेफिनेशन लिख दिया था, क्योंकि हम नोट्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है, नोट्स अभी प्रोवाइड
किया गया है, ठीक है, तो आगे चलकर कराया जाएगा, परंतु अभी के लिए नोट्स प्रोवाइड नहीं है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट्स को लिख दिया है कि आपको जैसे कि समझा तो दिया जाता है परंतु लिखा नहीं जाता, तो आप लिख नहीं पाते, ठीक है। तो नोट्स भी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भैया कोई स्कूल में कोचिंग में कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तो केवल आपको उसको समझना है अच्छे से, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं, ठीक है। तो आपके लिए यहां पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।